जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जितने भी आपका करंट अफेयर है उन सभी का वीकली टेस्ट जो होता है उसका टेस्ट नंबर 13 होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो है आपका जो बाइडन ने जलवायु परिवर्तन नीति और नवाचार के लिए वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो बाइडन जो आपका 46 नंबर के क्या है, प्रेसिडेंट हैं, और इसने शपथ कब लिया है, तो 20 जनवरी को इसने शपथ लिए हैं। और सोनिया अग्रवाल को क्या किए हैं, जो आपका वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नवाचार और नीति और नवाचार के लिए जो वरिष्ठ सलाहकार है उसके लिए सोनिया अग्रवाल को नियुक्त किया है। एक आपका आता है जेनेट येलेन कौन है, पहली महिला जो आपका वित्त मंत्री है यूएसए के। और कमला हैरिस आपका 49 नंबर के उपराष्ट्रपति है। 46 नंबर के राष्ट्रपति आपका जो बाइडन है और कमला हैरिस जो आपका 49 नंबर के उपराष्ट्रपति है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दो में क्या रहा है। लंदन एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 से 2020 के बीच दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला टेक्नो हब शहर कौन है। तो लंदन एंड पार्टनर्स के रिपोर्ट के अनुसार सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला जो है आपका है भारत के बेंगलुरु शहर है। और बेंगलुरु में ही आपका क्या है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में है। और इसरो की स्थापना कब हुई, तो 1969 में आपका इसरो की स्थापना हुई थी। बेंगलुरु को ही हम लोग क्या कहते हैं, सिलिकॉन वैली हम लोग बेंगलुरु को कहते हैं, और बगीचों का शहर भी बेंगलुरु ही कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ओलिव रिडली जो कछुआ है, ओली रिडली कछुआ की टैगिंग शुरू की है, इसका उद्देश्य क्या है। तो ओलिव रिडली जो कछुआ है इसका उद्देश्य है इसकी जो मूवमेंट है इसकी जानकारी जुटाना, इसकी मूवमेंट की जानकारी जुटाना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ओलिव रिडली कछुआ क्या है। तो यह क्या है, IASPT में जो आपका है वह क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अंतर्गत आता है। यह जो ओलिव रिडली कछुआ है यह कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, और यह गर्म जल में पाया जाता है, समुद्र के अंदर पाया जाता है। और यह नेस्टिंग के लिए क्या करता है, नेस्टिंग यानी प्रजनन करने के लिए जो आपका कोस्ट है समुद्र कोस्ट पर आता है। और यह क्या है, वल्नरेबल है, इसलिए इसे क्या है, इसकी मूवमेंट को जानकारी जुटाने के लिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने टैगिंग शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर है, हाल ही में सुलावेसी द्वीप पर विश्व की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग का पता लगा, यह द्वीप किस देश में स्थित है। तो सुलावेसी जो द्वीप है यह आपका इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ स्थित है, इंडोनेशिया में स्थित है। सुलावेसी जो द्वीप है आपका कहाँ है, इंडोनेशिया में स्थित है। और इसमें यहाँ पे क्या मिला है, जंगली सुअर का पेंटिंग मिला है, इसलिए यह क्या है, चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 जो जारी हुआ है उसमें 2020-21 में कितना सकल घरेलू उत्पाद रहने का आपका वृद्धि दर अनुमान लगाया गया। तो जो आपका जीडीपी वह 2020-21 का कितना रहने का अनुमान लगाया गया है, तो यह आपका 11% अगला में लगाया गया, और चालू वित्त वर्ष में -7.7 रहने का अनुमान लगाया गया है। जो GDP है जो आपका वह किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा जारी किया जाता है। और वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, अरविंद सुब्रमण्यम जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार है। तो आपका जो 2021-22 में कितना रहेगा, तो 11% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का निधन हो गया जो थे वह क्या, किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये इसे हम लोग कहते थे जूनियर तानसेन के नाम से जाना जाता था। और ये क्या थे, गायक थे। इनका क्या हुआ, निधन हो गया। और इन्हें जो आपका क्या है 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण जो हमारे देश का क्या है, दूसरा सबसे बड़ा आपका सिविलियन अवार्ड है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो 2020 जारी किया गया, भ्रष्टाचार सूचकांक जारी किया गया, उसमें भारत का कौन सा स्थान मिला है, भारत को 86वां स्थान मिला है। और यह किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि आपका कहाँ से है, जर्मनी से रिलेटेड है। और भारत को 86th नंबर मिला है। पिछले वर्ष कितना था, तो पिछले वर्ष आपका 85th था, सॉरी 84th पिछले वर्ष जो था 84th था,
और एम क्यू आर जो है आपका 86th स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संघ शासित प्रदेश राज्य में खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 है आयोजित की गई है? तो लद्दाख में आयोजित की गई है और विजेता भी कौन बना है? लद्दाख ही बना है। खेलो इंडिया जो आइस हॉकी है वह लद्दाख में आयोजित की गई है और विजेता भी आपका लद्दाख ही रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आपका कौन है? बिपिन रावत है। की ओर से किसे सिल्वर सम्मान से सम्मानित किया गया? सिल्वर सम्मान ये आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? बिपिन रावत है। और सिल्वर अवार्ड से जो आपका पूर्व सेना है उसे सम्मानित किया जाता है। और पृथ्वी पाल सिंह को सम्मानित किया गया है। और पूर्व सेना दिवस हम लोग 14 जनवरी को मनाते हैं और सेना दिवस हम लोग 15 जनवरी को मनाते हैं। 15 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? आर्मी डे मनाते हैं। आर्मी डे हम लोग 15 जनवरी को मनाते हैं और पूर्व सेना दिवस 14 जनवरी को मनाते हैं। और पृथ्वी पाल सिंह जो थे वो आपका आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों में, आपका आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों में काम कर चुके थे, इसलिए उसे क्या चीज़ सिल्वर सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अंतर्गत क्या है? एक मेडल के रूप में, थाली के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्री को कनाडा साहित्य गौरव नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया? क्या है? कनाडा साहित्य गौरव, तो ये आपका है रमेश पोखरियाल निशंक को सम्मानित किया गया। रमेश पोखरियाल निशंक भारत के कौन है? शिक्षा मंत्री हैं। और इसे पहले क्या था? एमएचआरडी था पहले, जो आपका क्या था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, और इसी का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? रमेश पोखरियाल निशंक होगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्या हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल के छत पर क्या है? सोलर संयंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। तो सोलर संयंत्र स्थापित होगा कहाँ होगा? स्कूल के छत पर होगा, और ये मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने सोलर संयंत्र स्कूल के छत पर स्थापित करने का निर्देश दिया है। और एक आपका क्या है? ओंकारेश्वर बांध। ओंकारेश्वर बांध कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी पर ही स्थित है। और इस पर विश्व का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग पार्क बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य ने देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय स्थापित किया? तो श्रमिक आंदोलन संग्रहालय जो है आपका केरल ने स्थापित किया है। और केरल में जो है आपका अल्पसुआ करके एक स्थान है, वहाँ पे आपका श्रमिक आंदोलन संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने किसे इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर घोषित किया? केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री ने आपका विश्वनाथ चटर्जी को क्या किया है? जो आपका इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर घोषित किया है, जो आपका क्या है? बंगाली एक्टर है, उसे विश्वनाथ चटर्जी को इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो आपका नाजत समीन खान, ऑप्शन नंबर ए उसे चुना गया है। और जो आपका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। और नाजत समीन खान को क्या चुना गया है? इसका अध्यक्ष चुना गया है। ये गाय राइडर क्या है? गाय जो ऑप्शन नंबर सी है गाय राइडर, यह क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का चीफ है गाय राइडर। डेविड मालपास कौन है? तो डेविड मालपास आपका वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साल 2021 में जो G7 का सम्मेलन होगा यह कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो G7 का जो सम्मेलन कॉर्नवाल ब्रिटेन में आयोजित होगा। और 2019 में आपका कहाँ? बियरिट्ज फ्रांस में 2019 में आयोजित हुआ था। G7 में आपका 7 कंट्री होते हैं, 7 कंट्री में आपका क्या है? जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा एंड इंग्लैंड। और 2021 का कहाँ होगा? कॉर्नवाल ब्रिटेन में होगा। 2020 का USA में होने वाला था जो कि रद्द हो गया था कोरोना वायरस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कौन सी मोटर बाइक एम्बुलेंस CRPF को सौंपी है? तो आपका एम्बुलेंस का नाम है रक्षिता। रक्षिता क्या है कि मोटर बाइक एम्बुलेंस है, यानी कि बाइक पर ही एम्बुलेंस सेटिंग किया गया है। और यह किसके द्वारा बनाया गया है? तो DRDO के द्वारा बनाया गया। DRDO की स्थापना कब हुई? 1958 में स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और वर्तमान में डॉक्टर सतीश रेड्डी क्या है? इसके वर्तमान में चीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने वन स्कूल वन आईएएस की शुरुआत किसने की है?
तो केरल राज्य सरकार ने वन स्कूल वन आईएएस की शुरुआत की है। आईएएस जो है यूपीएससी के अंतर्गत आता है और आईएएस जो है ली आयोग के सिफारिश पर आईएएस की स्थापना की गई, ली आयोग की सिफारिश पर। और वर्तमान में जो यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, प्रदीप कुमार जो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जनवरी 2021 में किस देश ने अपनी ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर आने की घोषणा कर दी है। तो ओपन स्काई ट्रीटी जो है इसके अंतर्गत टोटल 34 कंट्री थे, इसमें यूएसए पहले ही बाहर निकल चुका है और वर्तमान में रशिया ने भी इससे बाहर आने की घोषणा की कर दी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रूस इसका राइट आंसर होगा। यह 2002 में क्या है बना हुआ था। हाल ही में किसे सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन चुना गया है। तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री है उसे चुना गया है। ये नरेंद्र मोदी आपका क्या है सेकेंड प्रधानमंत्री होंगे, इससे पहले आपका मोरारजी देसाई जो फर्स्ट प्रधानमंत्री थे, इसे सोमनाथ मंदिर का अध्यक्ष माने ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया था। और नरेंद्र मोदी दूसरी प्रधानमंत्री होंगे जो कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में गुच्छ मशरूम के लिए जीआई टैग का प्रस्ताव रखा गया। यह मशरूम किस क्षेत्र में पाया जाता है। जो आपका गुच्छ मशरूम है यह आपका डोडा आपका जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पाया जाता है। और जीआई टैग क्या है, जीआई टैग जो आपका एक क्या स्थान के आधार पर एक टैग दिया जाता है जिसकी शुरुआत आपका 1999 के एक्ट से शुरू हुआ है और यह 10 वर्ष के लिए जीआई टैग दिया जाता है। और यह जो आपका मशरूम है कहाँ पाया जाता है, तो डोडा जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने क्या है महापुरुष के जयंती पर, किस महापुरुष के जयंती पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है। तो पराक्रम दिवस जो है आपका 23 जनवरी को मनाया जाएगा, 23 जनवरी को जो कि सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन है। सुभाष चंद्र बोस के जो जन्मदिन है वो आपका 23 जनवरी पर मनाया जाएगा। और एक आपका रोस द्वीप इसका नाम बदल करके क्या है सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस खिलाड़ी ने महिला वर्ग में यूनेक्स थाईलैंड बैडमिंटन ओपन 2021 जीता है। तो ये आपका कैरोलिना मारिन ने जीता है। कैरोलिना मारिन कहाँ से है, स्पेन से है। और इसने किसे हराया है, तो पीवी सिंधु को हराया है जिस कारण इसे सिल्वर मेडल मिला है। और इसे पीवी सिंधु को हम लोग सिल्वर गर्ल के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा जो है कौन सी सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की गई है। तो बुलेट प्रूफ जो जैकेट है वह शक्ति जो बुलेट प्रूफ जैकेट है उसे विकसित की गई है। और यह फीमेल और मेल दोनों जो फोर्स से रिलेटेड है उनके लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के जो राष्ट्रपति है उसने किसे महावीर चक्र प्रदान करने की घोषणा की है। तो महावीर चक्र जो है आपका बी संतोष बाबू को दिया जाएगा। बी संतोष बाबू किससे रिलेटेड है, तो ये आपका फोर्स है और ये गलवान घाटी जो कि चाइना से जब मुठभेड़ हुआ था उसमें इन्होंने बड़ी वीरता से उनका दुश्मनों का सामना किया था। ये चीन के उनकी औकात दिखा दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, नीति आयोग के राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक जो 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन शीर्ष पर रहा है। तो नीति आयोग जो है आपका नीति आयोग के द्वारा प्रत्येक साल एक नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है। नीति आयोग के द्वारा जो नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है वो दो प्रकार का होता है, एक छोटे राज्यों की श्रेणी में और एक बड़े राज्यों की श्रेणी में। तो बड़े राज्यों की श्रेणी में आपका कर्नाटक जो है सबसे टॉप पर रहा है। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, 1 जनवरी 2015 को। और प्रधानमंत्री इसके क्या होते हैं, चीफ होते हैं प्रधानमंत्री। और जो आपका उपाध्यक्ष है राजीव कुमार उपाध्यक्ष है, सीईओ अमिताभ कांत है। चलिए सीईओ अमिताभ कांत है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल करके कमलम कर दिया है। तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं उसने जो ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल करके क्या कर दिया है, कमलम ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल करके कमलम कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो होता है सेना जो किसका सेना कितना मजबूत है ये इंडेक्स जारी होता है। इसमें प्रथम स्थान आपका यूएसए का है, दूसरा स्थान आपका रशिया का, तीसरा स्थान चाइना का और चौथा स्थान भारत का है। तो भारत को किस क्या स्थान मिला है, चौथा स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से रवि गायकवाड़ को सम्मानित किया गया। एक आपका है रंजीत सिंह देसाले, रंजीत सिंह देसाले जो आपका है इसे ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये आपका महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र स्टेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में गणतंत्र दिवस 2021 में प्रस्तुत झांकियां में किस झांकी को प्रथम स्थान मिला है? तो उत्तर प्रदेश का जो झांकी है उसे प्रथम स्थान मिला है। उत्तर प्रदेश का जो झांकी है आपका, उसमें राम मंदिर का जो आपका पिक्चर है वह दिखाया गया था। और जो अंतिम बार जो 2021 में कोई भी आपका जो चीफ गेस्ट नहीं आया हुआ था बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो राजेंद्र कुमार भंडारी, राजेंद्र कुमार भंडारी को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और ये सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड दो तीन आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपका 1938 में क्या है, हरिपुरा सेशन की अध्यक्षता किए थे, और इसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किए थे। और क्या है आपका, इन्होंने क्या है, इनके जो बर्थ एनिवर्सरी है 23 जनवरी, उस पर पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। इनके बर्थ एनिवर्सरी पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 31, 20 जनवरी 2021 को जो बाइडन ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, ये अमेरिका के किस नंबर के राष्ट्रपति होंगे? तो जो बाइडन जो थे वे 20 जनवरी को राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। अमेरिका में प्रत्येक जो भी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं वो 20 जनवरी को ही शपथ लेते हैं। और ये 46 नंबर के राष्ट्रपति हैं, और 49 नंबर के जो आपका क्या है उपराष्ट्रपति है, जो कि कमला हैरिस है। कमला हैरिस 49 नंबर के उपराष्ट्रपति है। और जो आपका यूएसए की राजधानी का है वाशिंगटन डीसी है। और ये आपका जो ट्रंप है, ट्रंप के स्थान पर इनका स्थानांतरण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार द्वारा अपने पड़ोसी देशों को कोविड टीका उपलब्ध कराने के लिए कौन सी पहल चलाई है? तो वैक्सीन मैत्री पहल भारत के द्वारा चलाई गई है। इसके अंतर्गत जो भारत के जितने भी आपका पड़ोसी राज्य है उन सभी को कोविड का जो टीका है प्रोवाइड किया जाएगा। भारत में कोविड के लिए टीका जो है 16 जनवरी 2021 को स्टार्ट किया गया, और पहला जो टीका है आपका मनीष कुमार को लगाया गया, जो कि आपका दिल्ली एम्स के एक कर्मचारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वैश्विक निकाय से ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 जारी की गई है? किस वैश्विक निकाय से ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2019 जारी की है? तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी किया जाता है। और ये विश्व आर्थिक जो मंच है इसका स्थापना 1971 में स्थापित हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है। और जो आपका इसका शीतकालीन बैठक हुई थी वो दावोस में हुई थी, और इसी बैठक में आपका दीपिका पादुकोण को क्या हुआ था, एक अवार्ड दिया गया था जो कि आपका क्रिस्टल अवार्ड के नाम से, क्रिस्टल अवार्ड को दीपिका पादुकोण को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस देश में ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट चलाया गया था? ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट जो आपका चीन में चलाया गया है। ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट क्या है, इसके अंतर्गत आपका जो आपका भोजन है यानी कि प्लेट में, प्लेट को क्या करना है, एम्प्टी करना यानी कि प्लेट को खाली करना है। अगर प्लेट में आपका कुछ बच गया तो इसके लिए आपको क्या होगा, इसके लिए आपको फाइन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या चीज़ हाल ही में स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का परीक्षण किया गया है, इसे DRDO के किस प्रयोगशाला से विकसित किया गया? तो इसका जो आपका विकसित किया गया है रिसर्च सेंटर इमारात हैदराबाद से किया गया है, और SSAW के द्वारा किया गया है, जो कि आपका DRDO के द्वारा किया गया। DRDO की स्थापना कब हुई, 1958 में DRDO की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है, और सतीश रेड्डी इसका क्या है, हेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम का जो प्रबंध निदेशक सिद्धांत मोहंती को नियुक्त किया गया है, और इसकी स्थापना जो है 1956 के एक्ट के तहत हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। इसका टैगलाइन क्या है, टैगलाइन जो है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? तो अमेरिका की जो पहली महिला वित्त मंत्री बनी है जेनेट येलेन जो है पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। और नैन्सी पेलिसी क्या है, नैन्सी पेलिसी जो है आपका क्या है, प्रतिनिधि सभा का क्या है, स्पीकर नैन्सी पेलिसी है।
एक आपका 49th नंबर के जो आपका फर्स्ट 49th नंबर के उप राष्ट्रपति जो बनी है कमला हैरिस, कमला हैरिस जो 49th नंबर के उपराष्ट्रपति बनी है, ये भी आपका प्रथम महिला होगी जो कि उपराष्ट्रपति के पोस्ट पर होगी। और जो अमेरिका में अभी वर्तमान तक अभी तक कोई भी जो महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न से कौन गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली भारत की प्रथम महिला फाइटर बनी है, फाइटर बनी है, तो ये आपका भावना कांत, भावना कांत राइट आंसर होगा। और ये क्या है, एयरफोर्स की जो झांकी थी उसमें आपका बनी थी। और ये क्या है, मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रही थी, मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रही थी, भावना कांत इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में हावड़ा कालका मेल का नाम परिवर्तन कर दिया गया है, अब यह मेल किस नाम से जानी जाएगी, तो यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक्सप्रेस के नाम से जाना जाएगा। एक आपका रॉस द्वीप था, उसका नाम क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम पर रखा गया है। 23rd जनवरी को क्या हो रहा है, सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, और इस दिन हम लोग क्या पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई है। चलिए आगे देखते हैं, किस भारतीय को माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो आपका निखिल श्रीवास्तव को माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में काजा कलास किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो काजा कलास जो है एस्टोनिया की प्रथम महिला प्रधानमंत्री काजा कलास को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली से भिन्न किस शहर में नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल के बीच उद्घाटन किया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका चेन्नई तमिलनाडु में। दिल्ली आपका दक्षिण भारत से दूर होने के कारण इसका पहला सेंटर तो दिल्ली में है ही, दूसरा सेंटर इसका चेन्नई में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, किसने 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता जीता है, तो आईटीबीपी ने आपका राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता जीता है, जो कि आपका भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51 नंबर का क्या है, 51th इंटरनेशनल फिल्म फेयर ऑफ इंडिया में किस फिल्म को गोल्ड पीकॉक अवार्ड से दिया गया है, तो इंटू द डार्कनेस इज द राइट आंसर। इंटू द डार्कनेस को आपको क्या है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है, और इसका जो फोकस कंट्री होगा तो बांग्लादेश होगा, और गोवा में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका 45, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी की गई है, इस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्लोबल क्लाइमेट जो रिस्क इंडेक्स है वह जर्मनी के द्वारा जारी किया जाता है, और भारत को इसमें सातवां स्थान मिला है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हाल ही में किसने एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो स्पेस एक्स जो अमेरिका का एक कंपनी है जिसका जो आपका क्या है स्पेस एक्स के जो मालिक है आपका एलोन मस्क है, और ये आपका क्या है इन्होंने 143 रॉकेट एक साथ लॉन्च किया है, और रॉकेट जो लॉन्च किया गया है वह किस चीज़ से लंच किया था, फाल्कन 9 से लंच किया गया। भारत इससे पहले रिकॉर्ड बनाया था, 104 रॉकेट इसरो के द्वारा लंच किया गया था, और यह PSLV C-37 से लंच किया गया था, जो कि दो बार हमारा 2018 और 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत पंख अभियान शुरू किया है, तो राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने आपका पंख अभियान शुरू किया गया है। पंख अभियान के अंतर्गत क्या हो जाएगा, प्रोटीन अवेयरनेस न्यूट्रिशियन नॉलेज एंड हेल्थ के बारे में क्या होगा, महिला और स्त्रियों पर ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2021 रिपोर्ट जारी की गई है, इस रिपोर्ट में किस संस्था द्वारा जारी की जाती है, तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के द्वारा जारी किया जाता है। इसकी स्थापना जो है आपका 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ था, और इस वर्तमान में इसके 193rd मेंबर है, 193 मेंबर है। लास्ट जो मेंबर है आपका क्या है, साउथ सूडान इसका लास्ट मेंबर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन दो यूरोपीय देशों के मध्य यूरोपीय महाद्वीप का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का समझौता हुआ है? तो ये आपका समझौता हुआ है स्पेन और फ्रांस के मध्य हुआ है, स्पेन और फ्रांस के मध्य हुआ है। यूरोप सबसे बड़ा आपका यूरोप का सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा कहाँ स्थापित किया जाएगा, स्पेन में स्थापित किया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, हाल ही में भारत के तीनों सेनाओं का एक संयुक्त अभ्यास हुआ है, यह जो आपका कहाँ आयोजित किया गया था, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तीनों सेना का आपका एम्फेक्स अभ्यास हुआ है जो कि अंडमान निकोबार में हुआ है, और ये आपका आर्मी नेवी और ये आपका एयरफोर्स तीनों सेना का क्या है संयुक्त अभ्यास था। तो ये आपका आज का महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन था जो कि हम लोगों ने देखा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।